बलरामपुर सुहेलवा वन्यजीव प्रभाग रेंज जनकपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत जनकपुर के मजरा बसंतपुर में तेंदुए ने 4 लोगों सहित 2 बच्चों को घायल कर दिया है। ग्राम प्रधान सगीर अहमद तथा ग्रामीणों द्वारा वन विभाग तथा स्थानीय कोतवाली जरवा को सूचना दी। सूचना पर जरवा, कोतवाल और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे। जानवर को चारा चढ़ाने गए विजय उम्र 22 वर्ष, फैजान उम्र 24 वर्ष, लालू उम्र 19 वर्ष, प्रदीप कुमार उम्र 26 वर्ष, माता दीन उम्र 10 वर्ष को तेंदुए ने खेत में दौड़ाया तथा काट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ग्राम प्रधान ने बताया कि घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर में उपचार के लिए भेजा गया है। वहीं हसनापुर जंगल में 10 से 15 दिन पुराना एक तेंदुए का शव पाया गया है। ग्राम प्रधान सगीर अहमद, प्रभागीय वनाधिकारी डॉक्टर एम सोमारन, उप प्रभागीय वनाधिकारी माता बख्श सिंह, क्षेत्राधिकारी अमरजीत प्रसाद, शशिकांत शुक्ला, वन दरोगा चंद्रभान यादव, वन रक्षक जरवा कोतवाल दुर्विजय और उनकी टीम अरविंद यादव, विजय कुमार, विश्वकर्मा, रोशनी देवी भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर उपस्थित रहे। के जंगल में तेंदुआ की डेड बॉडी मिली, इस पे प्रथम दृष्टिया क्या है? प्रथम दृष्टिया तो जांच में आएगा, वो हसनापुर कंपार्टमेंट नंबर 1 में वही नाली के किनारे डेड बॉडी मिली, जो लगभग 10 से 15 दिन के अंदर की है और लगभग सड़ भी चुकी है। जी जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।